फॉर डायलॉग्स. मुझे खंजर चाहिए. अच्छा, एक सेवक होता है जिसको फर्श में लपेट कर मेरे सामने पेश किया जाता है. तो मैं उससे कहती हूँ, खंजर हाथ में लिए, तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारा कुंवारापन हमें बहुत अच्छा लगता है. क्या ये सब अपने होने वाली बीवी के लिए बचा कर रखे हो? तो वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो फर्श में लिपटा हुआ है. उसको लात मार के, फर्श को लात मार के मैं फर्श को खोलती हूँ और वो बाहर निकलता है और जवाब नहीं देता मेरे सवाल का. फिर मैं खंजर को उसके गले के पास लेकर जाती हूँ और कहती हूँ, आ, मैं तुम्हें असली मर्द होने का अनुभव दिलाऊंगी. मैंने कहा था महारानी की जय. तो वो बहुत ही नर्वस था और नर्वस तो मैं भी थी, ऐसा नहीं है. शर्म आती है लेकिन मजा आ रहा होगा काम करने में, नया एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है. मतलब इस तरह के लाइंस एंड यू नो डेयरिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कहना और ये जानते हुए कि हाँ मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, राज सिंहासन, राजगद्दी. तो उसके लिए मैं लोगों को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करती हूँ और क्यों ना करूँ, महारानी हूँ. तो मेरी पहली मोहब्बत है राज सिंहासन, मेरा तख्त, मेरा मुकुट. आप उस कैरेक्टर को और शैली को किस तरीके से, कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर होती है, बहुत अलग है दोनों कैरेक्टर, ऐसी हुकूमत चलानी करनी चाहती है शैली? ज्यादा अंतर नहीं है मेरे और महारानी स्नेहलता के बीच में, क्योंकि रानी बनने से पहले ही वो मन ही मन ये मान लेती हैं कि वो महारानी हैं. कोई उनको गलती से रानी बोल दे तो उनको टोकती हैं, बोलती हैं कि आपको नहीं पता हम रानी नहीं महारानी स्नेहलता हैं. तो उसी तरह मुझे लगता है कि अब मुझे आप सबको टोकना चाहिए. जब जब आप मुझे सिर्फ शैली चोपड़ा कहेंगे मैं बोलूँगी नो महारानी चोपड़ा. बात होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप में कहाँ कहाँ नजर आएंगे बताइएगा. ऑल्ट के हर प्रोजेक्ट ना सही, कम से कम बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में मैं नजर आऊंगी, तथास्तु इंशाल्लाह. और बात चल रही है कुछ अद्भुत प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो बहुत जल्द आपके सामने अनाउंसमेंट न्यूज आ जाएगी. थैंक यू सो मच महारानी शर्मिंदा जी, हमें अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. अच्छा, हम खड़े हो जाएं. हाँ. और महारानी स्नेहलता के हुस्न का आप दीदार कर सकते हैं. हाँ, वो टेबल हटा देते हैं, सिंहासन से उठ रहे हैं. ये टेबल आयुष टेबल हटा लो. कॉफी है, दीदार के लिए ये जरा साइड में रख दो. अरे दीदार का खाली तू सूट कर रहे पीछे जाइए ना, चलें ये पीछे चलते हैं. महारानी वाला पोज. हाँ, महारानी वाला पोज दीजिए. कुछ चलना क्या रहा था ना, चेयर बैठा दो, टेबल पे शिफ्ट कर दो. एक्शन सूट चला सूट या रोलिंग. यस रोलिंग एक्शन. Once more. Take two. Right. Action. Take three. Wow. अरे रुको यार, तुम कैमरा ही तोड़ दोगे लग रहा है. आओ जाओ यहाँ पे. आपको
असली मर्दानगी का अनुभव दिलाते हैं। जा हसीन खुद बीमार हूँ तीन दिन से। कौन बीमार है? स्नेहलता जाओ उनका इलाज करेंगे निःशुल्क। हाशिम को महारानी स्नेहलता एक अद्भुत तोहफा देना चाहती है। डर क्यों? खा थोड़ा तो नहीं है ना? नहीं नहीं अभी शादी तय हुई है। देखिए 15 जुलाई को मेरा बर्थडे तो मुझे भी तोहफा दे दीजिए। क्या है तो बता, तुम केक ही काट लो बैठ के उधर। 15 जुलाई दे दो भाई, आशीर्वाद तो ले लो, दर्शन करो अभी। आप हमारे बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको प्रमोशन देना चाहते हैं, आपको हम अपने महामंत्री बनाना चाहते हैं। आज से तुम पीटीआई ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद देने के लिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें भी अच्छा लगा। गुलाब नहीं था भाई। थैंक यू सो मच महारानी। चार पांच घूम उठा लो अपना गाल लेकर आइए। ये साइड में करना, उधर दिखेगा। अच्छा आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? रहेगी भी तो आज छोड़ देगी, वो बारिश हो रही है, ऐसी बारिश की मौसम है। कोई प्रेमी? नहीं कोई प्रेमी, आज लास्ट डे। ओके तो हम आपको तोहफा कबूल करना। ओके रेडी? यस। अरे बर्थडे गिफ्ट मिल गया मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश में भी डबल छाता लगा के ऐसे ही जन्मदिन आते रहे और मैं ऐसे तोहफे लेते रहूं। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है मैं एक बार क्यों पैदा हुआ। आयुष उधर टैटू बनवा ले वो निशान पे। हां नहाना मत। चलो सिंगल कर दे भाई। कैमरा सिंगल कर लेना।